जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि यदि हमारे माँ बाप परेशान हैं तो हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा क्या टोटका कर सकते हैं, ऐसे क्या टिप्स अपना सकते हैं कि हमारे पूजनीय प्यारे माँ बाप सुखी हो सकें। बहुत सारी बेटियां तड़पती हैं जब उनके माँ बाप दुखी होते हैं। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, बेटे भी तड़पते हैं कि हमारे माँ बाप सुखी रहें। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यदि आपके माँ बाप दुखी हैं, चाहे वे आर्थिक रूप से दुखी हों, चाहे शारीरिक रूप से दुखी हों, चाहे वो किसी भी बात को लेकर, बेटे कहना नहीं मानते, परिवार में अशांति है, बहुएं अच्छी नहीं हैं, बेटे सुख नहीं दे रहे हैं, या पैसा नहीं है, कुछ भी, तो मैं समझता हूं कि यदि हम अपने माँ बाप के लिए जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। ये उपाय चाहे बेटी करे, चाहे बेटा करे, चाहे बहू करे, कोई भी कर सकता है परिवार का सदस्य माँ बाप के लिए, तो माँ बाप को लाभ मिलेगा। करने से पहले आपको पानी को हाथ में लेकर संकल्प लेना होता है कि जो हम ये उपाय करने जा रहे हैं इसका फल हमारे माँ बाप को मिले, तो फिर उनका नाम लीजिए, फिर उनको ये फल मिलेगा। तो मैं अब आप शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि हमें क्या करना है। पहले ये बता दूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारा प्रत्येक संदेश परमात्मा तक पहुँचाती है। वहां से फिर जो वाइब्रेशन आती है वो वाइब्रेशन हमारे कष्ट दूर करती है। हमने किसी के लिए दुआ की तो हमारा मैसेज परमात्मा की वाइब्रेशन तक गया, वहां से वाइब्रेशन उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है जिसके लिए हम दुआ कर रहे होते हैं। बिल्कुल बैंक की तरह, जैसे हम बैंक में पैसे अपने अकाउंट से निकलवाते हैं तो दूसरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं, परंतु यहाँ फर्क कितना है कि हमारे अकाउंट में पैसे कम नहीं होते हैं बल्कि डबल हो जाते हैं और माँ बाप के अकाउंट में भी जमा हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की सेवा और माँ बाप के लिए दुख दर्द मन में रखने के लिए हमें विशेष रूप से फल मिलता है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना है। हमें करना है कि प्रतिदिन रात को सोते हुए जब आप सोने लगे हैं तो अपने तकिए के नीचे कुछ पैसे रखिए, और पैसे रखते हुए माँ बाप का ध्यान कीजिए। सबसे पहले संकल्प कीजिए, फिर ध्यान कीजिए, और फिर परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। सुबह वो पैसे उठा लीजिए और अपने कहीं रख लीजिए अलग से, और दो चपाती या दो परौंठी या परौंठा कुछ भी बनाइए, दो चपाती बनाइए, उस पर देसी घी लगाइए और उस पर गुड़ रखिए, गुड़ रखिए, और फिर उसको फॉइल पेपर में लपेट लीजिए और पैसे साथ में लेकर अपने परमात्मा को याद करते हुए किसी भिखारी को ये चीजें दे दीजिए। जितना भूखा भिखारी आपको मिलेगा उतना ही सुख आपको मिलेगा। यदि आपने एक अपने गले से उतारने के लिए किसी को भी दे दिया और वो भिखारी पहले ही पेट भर के खा चुका है और आपके उधर जाते ही उसने फेंक दिया तो उसका फल कम मिलेगा। अब आप कहेंगे कि अब हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो बस ये टोटका ऐसे ही है, इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप किसी भी भिखारी को दीजिए, किसी अच्छे भिखारी को जो वाकई में भूखा हो, जिसके बच्चे भूखे हों, वो खा लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये आपने प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन 4.25 महीने प्रतिदिन करना है। अब यहां पर सवाल उठेगा कि चपाती मेरी पत्नी बना सकती है, मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहता हूं, बिल्कुल बना सकती है। चपाती कौन बना रहा है सवाल ये नहीं उठता है, चपाती दान कौन कर रहा है सवाल यहां पर ये है। चपाती दान आपको ही करनी होगी, बनाए चाहे नौकर, चाहे होटल से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दान आपको करना है, तकिए के नीचे पैसे आपको रखने हैं। और यदि आप लेडीज हैं, मासिक धर्म आया हुआ है, तो आप चपाती बनाइए मत, किसी से बनवा लीजिए और दान अपने हाथों से कीजिए, तब भी आपको यह दान लगेगा। तो ये क्योंकि टोटका है, उपाय है, तो इसमें आप
किसी भी अवस्था में ये कर सकते हैं। और यदि आपको मासिक धर्म में करने से थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है तो 3 दिन मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक विधि विधान में औरत को 3 दिन की छूट दी गई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी आप संस्कार कर रहे हैं 40 दिन का, बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो 3 दिन आप उसको छोड़ सकते हैं। आप बच्चे हैं तब भी कर सकते हैं, आप विवाहिता लड़की हैं ससुराल में रहती हैं तब भी कर सकते हैं, आप कुंवारी हैं मायके में रहती हैं तब भी कर सकती हैं, आप लड़के हो तब भी कर सकते हो, माँ बाप दूर है पास है कहीं है आप ये कर सकते हो। और लगातार कीजिए, आपको इसका 101% लाभ मिलेगा। मेरा आजमाया हुआ है, 101% लाभ मिलेगा। परंतु जरा प्रेम से कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। जितनी प्रेम जितनी श्रद्धा आप इसमें डालेंगे उतना ही सुख आपके माँ बाप को मिलेगा। जितना प्रेम आप दूसरों के प्रति दिखाएंगे उतना प्रेम आपको माँ बाप को मिलेगा। तो ये आप कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, और यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है और वो जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। यदि जन्म कुंडली से रिलेटेड है फिर भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, परंतु उसकी फीस लगती है जो हम गरीबों में पेंशन देने आदि में काम में लाते हैं। तो आप व्हाट्सएप लिखकर कीजिए, कृपया फ़ोन मत कीजिए। फ़ोन यहाँ पर अटेंड करने का कोई साधन नहीं है, कोई अटेंड नहीं करता है। व्हाट्सएप पर लिखेंगे 3 या 4 दिन में जवाब मिल जाएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, साइनाम नमस्कार, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9814450802।